आचार्य जी अभी कुछ लोगों से भी सुन रहा था और यूट्यूब पे कमेंट्स में पड़ा है कि गीता वगैरह की अब जरूरत क्या है अब तो संविधान ही आज की गीता है तो इस बारे में कुछ से सौ से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं सौ से अधिक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गीता में कितने हुए हैं का भाई गीता में क्यों नहीं किया आजकल ये खूब चल रहा है क्या बाइबल क्या गीता क्या कुरान हमारा तो धर्म है संविधान मूर्खों ये बोलने का अर्थ है कि न तो तुम्हें गीता पता है और न ही संविधान गीता तो छोड़ दो तुम्हें संविधान भी नहीं पता है तुम्हें संविधान का भी कुछ पता होता तो तुम ये नहीं कह पाते कि गीता की क्या जरूरत आज का धर्मशास्त्र तो संविधान है कभी सिंपल मेजॉरिटी से कभी टू थर्ड मेजोरिटी से संविधान बदल दिया जाता है गीता बदली जा सकती है केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था मूल ढांचे को छोड़ करके जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको छोड़ करके सब बदल सकते हो बस वही है जो नहीं बदल सकते क्यों बदल सकते हो क्योंकि हमने बनाया हम बदल देंगे तुमने बनाया तुमने अपने मन से बनाया अपनी स्थितियां देखकर बनाया है एक समय की बात है तुमने बना दिया तुमने बनाया, तुमने बनाया तुम बदल भी सकते हो अगर तुम बदल नहीं सकते तो ये तो टिरनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई ना कि किसी और का बनाया संविधान तुम्हें ढोना पड़ रहा है हमारी जिंदगी है तो हमारा संविधान होगा ना जिन्होंने बनाया था उन्होंने अपनी बुद्धि से बनाया था हम उनको अथॉरिटी क्यों माने भाई और अगर किसी की अथॉरिटी स्वीकार करनी ही है तो फिर वो बात गुलामी से अलग कैसे हो गई अंग्रेज अपने नियम कायदे चलाएं तो हम कहते हैं ये तो गलत बात है हमने तो बनाया नहीं और सत्तर साल पहले बनाए गए नियम कायदे चल रहे हो तो वो चीज सही कैसे हो गई वो भी तो हमने नहीं बनाए थे यही अंतर है संविधान में और गीता में संविधान इंसान ने बनाया है वो बदला जा सकता है बदला जाता है बदला जाना चाहिए और संविधान का उद्देश्य समाज चलाना है संविधान में एक बार भी आई शब्द नहीं आता संविधान आपके आंतरिक जगत की बात नहीं करता संविधान बस चाहता है कि ये जो कंट्री है ये जरा सहूलियत से चलती रहे लेकिन आप कंट्री नहीं हो आप अपने मन में जीते हो मन कैसे चलेगा यह बात संविधान नहीं बताता यह बात गीता बताती है तो संविधान और गीता में कौन सी तुलना आ गई भाई संविधान और गीता एक कैसे हो गए क्या मूर्खता की बात है ये संविधान देश के लिए और गीता से राष्ट्र बनते हैं अंतर समझिएगा साफ साफ देश राजनैतिक होता है देश न भी रहे तो भी राष्ट्र नहीं मिट जाता भारत राष्ट्र देश पर आश्रित नहीं है जब भारत देश नहीं भी था राजनीतिक रूप से बटा हुआ था या परतंत्र था राष्ट्र भारत तब भी था देश ने तो जन्म भी लिया है सैतालीस में राष्ट्र बहुत पुराना है क्योंकि भारत राष्ट्र का आधार है गीता वेदांत इसीलिए मुझे विचित्र लगता है जब हम कहते हैं राष्ट्रपति <laughs> कोई व्यक्ति राष्ट्र का पति कहां से राष्ट्रपति अगर कोई है तो कृष्ण है तो उपनिषदों के ऋषि हैं राष्ट्रपति है यदि तो वेद है वेदांत है पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश एक ऐसा तैयार किया गया है जो अपने पांव पर ठीक से आज तक खड़ा ही नहीं हो पा रहा वो देश जो हमारे ही साथ स्वतंत्र हुए या हमारे बाद स्वतंत्र हुए हमसे हर क्षेत्र में कहीं आगे निकल गए हैं व्यक्ति पहले आता है व्यक्ति से समाज बनता है जो भी ग्रंथ व्यक्ति की बात करेगा वो सर्वोपरि होगा संविधान आपको प्रेम नहीं सिखाएगा संविधान में लव शब्द कितनी बार आता है कितनी बार आता है तो तुम संविधान पर ही चलते रहोगे तो प्रेम कहां से सीखोगे हां गीता तुम्हें प्रेम सिखा देगी संविधान एक तल की चीज है अपने तल पर वो बहुत अच्छा भी हो सकता है अपने तल पर वो बहुत बुरा भी हो सकता है गीता का तल ही दूसरा है संविधान बहुत अच्छा भी हो जाए तो भी वो गीता के तल का नहीं हो सकता अंतर समझ रहे हो? डायमेंशनल डिफरेंस है एक चीज रखी हुई है पहली मंजिल पर एक इमारत की और एक चीज रखी हुई है दसवीं मंजिल पर पहली मंजिल पर जो चीज रखी है वो पहली मंजिल की सीलिंग तक भी पहुंच जाए तो भी कितनी ऊंची हो जाएगी वो तो दूसरी मंजिल पर भी नहीं पहुंची क्योंकि वो सीमित है पहली मंजिल से वो अधिक से अधिक छत तक पहुंच सकती है पहली मंजिल की और जो चीज दसवीं मंजिल पर रखी है उसमें बहुत दोष भी आ जाए वो तो भी कहां है वो बहुत गिर गई है तो भी कहां गिरी है वो दसवीं मंजिल के फर्श पर गिरी है वो पहली मंजिल की चीज से तब भी बहुत ऊपर रहेगी भारत का संविधान न जाने कितने देशों के संविधान से उधार लेकर बना है गीता कहां से उधार लेकर बनी है कही है? सत्य ही अमर होता है बाकी सब परिवर्तनशील होता है गीता नहीं बदलने की बाकी सब परिवर्तित हो जाएगा तो व्यर्थ तुलना ना किया करें स्पष्ट है इसीलिए किसी ने पूछा था मैंने कहा था देशभक्ति बहुत छोटी चीज है तुम्हें करनी ही है तो राष्ट्रभक्ति करो और देश और राष्ट्र का अंतर समझो